आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्राइवेट कोविड अस्पताल संचालकों, निजी पैथोलॉजी प्रबंधकों एवं IMA के पदाधिकारियों की बैठक, कहां मानवता का परिचय देते हुए कोविड मरीजों का करे इलाज, बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता को करे अस्पताल के बोर्ड पर प्रदर्शित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने जिले में संचालित कोविड 19 के कार्यक्रमों की समीक्षा, कहा कोविड के तीसरे वेव से निपटने के लिए तैयारियों को करें बेहतर, CSC PSC की व्यवस्था पर दिया जाए ध्यान। ब्लैक फंगस के 3700 के इंजेक्शन को 19,000 में बेच रहे अंश मेडिकल पर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ड्रग विभाग ने मारा छापा। ओवर रेटिंग के आरोप में दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। सहायक आयुक्त मंडल औषधि ने कहा कि दोनों अभियुक्तों पर दर्ज किया गया मुकदमा, दुकान को किया गया सील। कोतवाली पुलिस व साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील व आपत्तिजनक फोटो पोस्ट कर ब्लैकमेल करने वाले दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। SP क्राइम ने किया खुलासा, भेजा जेल। महामारी लोक शिकायत समिति पर स्थानीय सभासद ने खोवा मंडी स्थित शिवा हॉस्पिटल पर मरीजों से ओवरचार्जिंग की शिकायत। समिति के सदस्य ADM फाइनेंस ने कहा पीड़ित द्वारा सच्चाई जानने के बाद की जाएगी कार्रवाई। जनपद में कोविड टीकाकरण कराने वाले नागरिकों की सहायता के लिए CMO ने किया हेल्पलाइन नंबर जारी, कहा कोविड टीकाकरण से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के लिए नागरिक कर सकते हैं कॉल, होगा समस्या का समाधान। आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने सड़क पर उतरे SSP दिनेश कुमार P, मोहदीपुर में चलाया सघन चेकिंग अभियान, कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर की कानूनी कार्यवाही, कहा कर्फ्यू का करें पालन, घर में रहें सुरक्षित रहें। महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई मोहल्ला निगरानी समिति की बैठक, निगरानी समिति के सदस्यों को प्रदान किया गया मेडिकल किट। जनपद में कोविड मरीजों की सुविधा के लिए 108 नंबर की 40 एम्बुलेंस 24 घंटे हैं कार्यरत, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने दी जानकारी। नगर निगम के 70 वार्डों सहित सम्मिलित 32 नए गांवों में नगर निगम द्वारा किया गया सनराइज, नगर आयुक्त ने कहा मानसून के मद्देनजर 230 नालों की जा रही है सफाई। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 281 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 55,385। अब तक 576 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान, 5,989 हो गए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। जिला महिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं के लिए चल रहा है OPD, प्रमुख अधीक्षक ने कहा गर्भवती महिलाओं के लिए OPD के साथ 24 घंटे कार्य कर रहे हैं इमरजेंसी। नगर निगम परिसर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्थापित किया गया वैक्सीनेशन सेंटर, नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, पार्षदों सहित 45 वर्ष से ऊपर के लोगों ने लगवाया टीका। यात्रियों की कमी से रोडवेज की AC बसों के पहिए थमे, क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा लोकल रूट पर 50% यात्रियों की संख्या कम होने पर लोकल बसों का संचालन भी होगा प्रभावित। कोविड के मद्देनजर अस्पतालों में OPD बंद होने से इमरजेंसी वार्ड में बड़ी मरीजों की संख्या, CMO ने कहा इमरजेंसी में मरीजों के इलाज की है समुचित व्यवस्था, हो रहा है बेहतर उपचार। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित 76 बूथों पर किया गया 16,718 लोगों का वैक्सीनेशन, 45 साल से ऊपर के 10,524 तथा 18 साल से ऊपर के 6,194 लोगों ने कराया टीकाकरण, CMO ने कहा लक्ष्य के सापेक्ष हो रहे हैं टीकाकरण। और महानगर में मंगलवार को कोरोना आंशिक कर्फ्यू का देखने को मिला आंशिक असर, सड़कों पर रही चहलकदमी, कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस ने की वाहन चेकिंग, किया चालान।